एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या नई गाइडलाइंस आरबीआई की आई है, ये आरबीआई का क्या नया ऑर्डर आया है एनबीएफसी एप्लीकेशंस को लेकर। पहले से काफी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे थे। 1 फरवरी 2024 एक डेट रखी गई थी जहाँ पे हम लोगों को ये उम्मीद थी या कुछ ऐसी राहत वाली खबर आ सकती थी कि एनबीएफसी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाता सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और हो चुका है और मामला कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या मामला है और क्या हुआ है ये आप लोगों को अगर जानना है तो वीडियो को आखिरी तक वॉच करते रहेंगे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिया है और एनबीएफसी एप्लीकेशन से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ये एप्लीकेशन ज्यादातर लोगों को पूरी तरीके से टॉर्चर करती है, उनको बहुत ज्यादा परेशान करने का काम हमेशा से करती है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग पहले से फंसे हुए, कुछ लोग नए आए हैं जो फंस चुके हैं, और मैंने आपको कहा था कि ये एनबीएफसी एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे जो बड़े 3 कारण थे जिसका मैंने एक पूरा मेल प्रूफ के साथ भेजा था आरबीआई को भी, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी एक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। सबसे पहला था कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करने का। वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो फिर आप लोगों का ही इसमें नुकसान होगा और आगे चल के आपको इन्फॉर्मेशन फिर अधूरी मिलेगी। सबसे पहले है कॉन्टेक्ट लिस्ट का। कॉन्टेक्ट लिस्ट के चलते काफी लोगों को दिक्कतें आती थी कि उनके कॉन्टेक्ट्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में कॉल कर दिया जाता था। तो आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस ये निकाली थी कि कॉन्टेक्ट्स में कोई भी कॉल नहीं कर सकता, कोई भी एप्लीकेशन कॉल नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद भी आज के डेट में भी काफी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स थे जिनके कॉन्टेक्ट्स में, रिलेटिव्स में कॉल किया जाता है। दूसरी समस्या थी डाटा लीकेज की। डाटा लीकेज से मेरा क्या मतलब है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो निजी इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन है, उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना। अब थर्ड पार्टी को आपकी इन्फॉर्मेशन मिलने से काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि उस इन्फॉर्मेशन का वो थर्ड पार्टी मिसयूज भी कर सकती है। मिसयूज बहुत तरीके से किया जाता है। आपका नंबर, आपकी डिटेल्स, आपका आधार, आपका पैन, बहुत सारी डिटेल्स थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की जाती है जो बिल्कुल ही गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों सबसे बड़ी समस्याएं थी जो लोगों के द्वारा या जितने भी इनके कस्टमर्स थे या जिन्होंने लोन लिया है और लोन लेके डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके द्वारा। और ये तीसरी समस्या ये जो है ये काफी आम है, ये है कॉल पे गाली गलौज करने की या कॉल पे धमकी देने की। धमकी देना, गाली गलौज करना, ये काफी आम बात है इनके लिए। जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है उसमें से कई एनबीएफसी एप्लीकेशन के जो एजेंट्स है वो आपको कॉल पे गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज के साथ साथ आपको धमकी भी देते हैं। ये 3 बड़ी समस्याएं सभी के द्वारा फेस की जा रही थी। तो अगर आपने भी लोन लिया होगा तो आपको भी पता चला होगा या आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे कि आरबीआई ने क्या नया ऑर्डर निकाला या क्या गाइडेंस निकाली है, आप लोगों को जानना काफी जो जरूरी था। देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने कोई भी बड़ा एक्शन एनबीएफसी के खिलाफ नहीं लिया। अब ये एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। सही इस मायने में है कि अगर एनबीएफसी एप्लीकेशन के खिलाफ अगर कोई बड़ा कदम उठाएंगे और सभी को बैन करेंगे तो एनबीएफसी एप्लीकेशन का काफी करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में फंसा हुआ है और काफी करोड़ रुपए वो पहले से ही नुकसान में जा चुकी है। तो आरबीआई ने टोटल 5,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है एनबीएफसी को। आप खुद समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए हैं जितने भी एनबीएफसीज है उन सभी को। और ये पैसा किसका है? तो ये पैसा भारत का है, यानी भारत का पैसा भारत के लोगों को ही दिया जा रहा है और उसके बदले उनसे दुगना पैसा मांगा जा रहा है। अब ये कहां तक सही है या कहां तक गलत है इसका डिसीजन आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे कि ये जो किया जा रहा है क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए, एक चीज आपको जानना जरूरी है, आरबीआई जो पैसा देती है एनबीएफसी एप्लीकेशंस को आपको लोन देने के लिए, तो आरबीआई उस पर कुछ परसेंटेज चार्ज करती है। मान लीजिए कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए दिए एनबीएफसी को, तो वो उस पर साल का 6 या 6.5% जो है वो चार्ज करेगी। अब इसमें 6.5% चार्ज करिए तो अब एनबीएफसी को भी है कमाना और वो काफी ज्यादा कमाना चाहती है, तो वो 6.5% पे उनको मिलता है पैसा और वो हमें देती है 50% पे, 100% पे, यानी 50% इंटरेस्ट या किसी किसी कंपनी का 100% भी इंटरेस्ट लगता है जीएसटी और बाकी प्रोसेसिंग चार्जेस को अगर हम लोग मिला दें तो 100% पे हमें दिया जाता है लोन। 10,000 अगर हमारे अकाउंट में आया है
तो हमें पूरा 20,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा भरना पड़ता है कंपनी को अगर लेट करते हैं तो या पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं तो। आप सोच सकते हैं कि 100% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट, और NBFC को कितने पे मिला, तो 6% पे मिला। पैसा किसका है, तो भारत का पैसा है, यानी भारत का पैसा भारत के लोगों को दिया जा रहा है और उसमें भी उनसे लूटपाट मची हुई है। अब बताइए ये कितना सही है या कितना गलत है, ये डिसीजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे, वहीं पे जो है वो सच और झूठ का पता चल जाएगा। लेकिन जो मैं अपनी राय है, जो मैं अपना विचार है वो रखना चाहता हूँ। देखिए, किसी को भी अगर लोन दिया है तो सबसे पहले तो ये एक नया नियम ये निकलना चाहिए कि कम से कम उसको लोन वापसी के लिए 3 साल तक का समय दिया जाए। क्योंकि लोन आदमी कब लेता है, लोन आदमी तब लेता है जब किसी समस्या में फंसता है। अब वो समस्या में पहले से फंसा हुआ है, इसीलिए उसने लोन लिया, वो पहले से ही फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसके बाद आपने उनको लोन दिया, अब लोन देने के बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको 100% रिटर्न के साथ 1 महीने या 2 महीने या साल भर में वापस करे, तो ऐसा मुमकिन हमेशा नहीं हो पाता। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मुमकिन नहीं भी हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम RBI को नियम निकालना चाहिए कि 3 साल तक का समय जो भी डिफॉल्टर्स है उनको दिया जाए ताकि वो अपना पेमेंट कर सके। और दूसरी बात यह है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अभी तक कॉल कर रही है बिना मतलब के लोगों को परेशान कर रही है, उनका जीना हराम कर रखा है, तो इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और ये कैसे बंद होगा, कब बंद होगा, जब हम लोग इसके खिलाफ मास प्रोटेस्ट करेंगे, मास एक्शन लेंगे। अब लग रहा है कि कुछ इनके खिलाफ करना ही पड़ेगा, ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मास मूवमेंट इनके खिलाफ स्टार्ट करूं ताकि ये जो कंपनियां हैं जो कॉन्टैक्ट पे कॉल करती हैं उनका 1 रुपया भी लोग पेमेंट नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। और वो पूरा पैसा देखिए, नहीं पेमेंट करने पे कंपनियां खुद पे खुद लॉस में आएगी और अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जब कंपनी लंबे समय से लॉस करती है तो वो खुद पे खुद बंद हो जाती है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने धनी एप्लीकेशन। धनी एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता, आपने उसकी हिस्ट्री नहीं जानी है, तो आप जान सकते हैं कि वो पहले सबसे पहले आई थी प्ले स्टोर पर, लोन देती थी, काफ़ी आसानी से लोन देती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों को परेशान करती थी कि लोगों ने उनका डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया। लगभग 44,000 लोगों ने एक साथ ही डिफॉल्ट कर दिया, जिस वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में गई और कंपनी को बंद होना पड़ा। अब वो धनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलती और ना ही आसानी से आपको किसी तरीके का लिमिट भी दे दिया। तो ये हो गया धनी का बड़ा वाला, ये जो स्कैम था वो एक्सपोज हुआ था, सभी के सामने आया था, तो धनी को बंद होना पड़ा। इसी तरीके से ये जो NBFC एप्लीकेशन है जो गलत तरीके से लोगों के साथ लूटपाट मचा रही है और साथ में कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रही है, उनको भी काफी जल्द एक्सपोज करके पूरी तरीके से बैन लगाने का काम, उन पे ताला लगाने का काम किया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से जो भी जानकारी मिलती है हम लोग आपको सही से जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हमारे थ्रू आपको हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।